आप देख रहे तेज खबर 24, मैं हूं आपके साथ विकास। रीवा से मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जा रही यात्री बस ग्वालियर के झरासी घाट में पलट गई। 100 मजदूरों से भरी इस बस के पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई और 7 घायल हो गए। दुर्घटना के बाद बस में फंसे कई यात्री जान बचाने के लिए कूदकर बाहर निकले। घटना के संबंध में ग्वालियर SP अमित सांगरी ने बताया कि बस अपनी क्षमता से लगभग 3 गुना अधिक भरी हुई थी। वहीं एक महिला यात्री ने कहा कि बस में लगभग 300 लोग थे और साथ ही बस ड्राइवर पर नशे में होने का आरोप लगाया। वहीं बस में सवार अन्य यात्रियों ने बताया कि इतनी खचाखच भरी बस में एक सवारी के लिए उनसे 700 रुपये वसूले गए। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के टीकमगढ़ में प्रवासी मजदूरों की बड़ी जनसंख्या है। दिल्ली में कोरोना के चलते सप्ताह भर का लॉकडाउन लगने पर ये मजदूर लौटकर अपने घर आ रहे थे, जब ये भीषण हादसा हुआ।